नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ। इस वक्त में रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के सुरभि इमरजेंसी क्लिनिक के पास उपस्थित हूँ। यहाँ उपस्थित होने के कारण ये हुआ है मुझे, यहाँ पर एक डॉक्टर साहब भी मेरे साथ हैं और इनसे थोड़ी सी संदेश मैं लेना चाहता हूँ। आज होली यहाँ पर मन रहा है, खुशियों का त्यौहार है और होली के रंग में सब लोग यहाँ पर रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आप थोड़ा सा संदेश कर देंगे कि किस तरह से होली खेलना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को दुख न पहुँचे और हर आज तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो मैं सीधे सर से बात करता हूँ। नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा नजदीक आइए और नजदीक आइए। आज सर, हिंदू धर्म में मनाया जाता है होली के त्यौहार, जो कि सदियों से मनते आ रहा है और आज दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और खुशियाँ के रंग में हर कोई रंग जाता है। तो सर ये बताइए कि यहाँ से एक संदेश पूरे भारतवासियों को दीजिए कि होली किस तरह से आज मनानी चाहिए, किसी के दिल पर ठेस न पहुंचे। हाँ सर, रंग लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ बात सही है, यानी खुशी में थोड़ी सी भी दुख न पहुंचे। सर ने कहा कि हर किसी को खुश रखना चाहिए आज के दिन, और ये पूरे भारत को यहाँ से संदेश दे रहे हैं डॉक्टर अभिनंदन कुमार, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं जिला रिपोर्टर अक्षय बटन। देखिए यहाँ पर मेरे भाई लोग, किस तरह से होली आज मनाना चाहिए? शांति और सभ्यता से मनाना चाहिए। आप तो बिल्कुल अल्मोनियम नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अलग नजर आना चाहिए होली में। अच्छा, आज के दिन दारू पीना चाहिए या नहीं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पीना भी चाहिए नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। यानी नशा मुक्त अगर होली मने तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ताकि हर कोई एक दूसरे के रिश्ते को पहचानेगा और दुश्मन को दिल से गले लगाएगा। और दारू बचाएगा दारू खोलवा दीजिए, घर घर बचा रहा है, लड़का नहीं बदला वो दारू बेचा। सरकार नहीं जानता कि दारू बेचाता है, नली में सब मिलता है। धनगाई टोला पर मैं उपस्थित हुआ, अभी रास्ते से मैं गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ पर होली के रंग में लोग रंग चुके हैं और यहाँ पर अभी यहाँ पर जो होली मना रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से होली, इस तरह से होली को मनाया जाए तो कहीं भी विवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के दिन दुश्मन भी दोस्त बनते हैं और दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए उसको उस रंग में रंगना पड़ता है जिसको कहते हैं प्रेम और प्यार के रंग। तो आज होली यहां पर आई हुई है और होली के रंग में सब लोग रंगे हैं, डांस कर रहे हैं अपने और यहां पर बाजा बजा रहे हैं और ऐसी खुशी होने चाहिए ताकि किसी को दिल पर ठेस न पहुंचे, इसलिए होली को मनाया जाता है। और होली एक खुशियों का त्योहार है, इसको मिलजुल के मनाए, दोस्त को गले लगाना चाहिए नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी होली। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? आज आप लोग खुशियों के रंग में रंग गए हैं ना, होली मना रहे हैं। किस तरह से होली मनना चाहिए आप? किस तरह से होली मनना चाहिए आप? कर पड़ता है कोल्हा। कहाँ आए थे आप लोग? आए थे लोग बाजार मार्केट करने। क्या कर लिए बाजार से आप लोग? क्या चीज का मीट लिए? कैसे चला? 700 रुपए किलो। इससे पहले कैसे देता था लोग? 600 रुपए। 100 रुपए बढ़ा हुआ है ना। चलिए हैप्पी होली। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए अभी और हमारे साथ अभी यहाँ पर एक मैनेजर साहब जो बैंक के हैं जुड़े हैं, यही पैसा नाम है क्या नाम है बलजीत सिंह जी, ये कहाँ आपका पोस्टिंग है अभी है हम उधर होली मनाने हैं। होली किस तरह से मनाना चाहिए आप? और दारू पीना चाहिए नहीं बिल्कुल दारू नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दारू जो होता है वो सब हो जाता है। अभी रुक जाए एक मिनट, क्या क्या आपके सब्जी के दुकान से ले जा रहा है लोग? मतलब जैसे ज्यादा विशेष मात्रा में तो हमको लग रहा है कि प्याज और लहसुन ही जाता होगा, और अदरक चलिए 5 रुपए का अदरक दे दीजिए। कुर्ता फार होली मना रहे हैं आप लोग? कुर्ता फार होली मना रहे हैं? कुर्ता नहीं, कुर्ता फार दे रहा है छोटा छोटा। ये टीवी विक्रमगंज से, और मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ विक्रमगंज शहर में, और यहाँ पे एक दुकान में, और यहाँ पे देखा ऐसा जा रहा है कि होली को लेकर के बहुत सारे लोग अपने खरीदारी में लगे हुए हैं, और अपने लिए रंग बिरंगे कपड़े और अपने घर के लिए सारे सामान खरीदने के लिए यहाँ पे बाज़ारों में भीड़ लगी हुई है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं यहीं के एक दुकानदार से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत कुमार सिंह हुआ। अच्छा अभिजीत जी, ये बताइए कि इस बार होली की खरीदारी में लोग मतलब कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? लोगों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा, हर साल के मायने में इस साल बढ़ चढ़ के लोगों ने खरीदारी में हिस्सा लिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 2 साल से तो कोरोना में ये था, लेकिन इस बार लोगों का खरीदारी जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी हर्षोल्लास से इस बार लोग खरीदारी किए हैं। अच्छा। हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से कहना चाहेंगे कि बी सेफ, स्टे होम, अभी कोरोना को देखते हुए आप सेफ रहिए, और बच बचाव करते हुए दूसरे को भी देखते हुए और अपने काम में लगे रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वही बात है कि यहाँ पे जैसे कि और भी कुछ कस्टमर दिख रहे हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि क्या है यहाँ का मतलब हाल चाल। सर क्या नाम बताएं आप अपना? सर मेरा करण कुमार सेरा नाम है। जी जी, तो आप यहाँ पे खरीदारी करने के लिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार कैसा लग रहा है, कुछ मतलब जैसे कि सामानों के दाम बढ़े हुए हैं या फिर क्या है पिछले सालों की तरह? नहीं, अब सामान का दाम तो बढ़ेगा ही, लेकिन आदमी जितना मांग करेगा उतना तो जिस तरह मांग है तो महंगाई बढ़ेगा ही। तो मतलब कि आप इस समय जो भी आप खरीदारी किए अपने घर परिवार के लिए, उसके जो भी सामान आपको मिले हैं, क्या उसके जो भी आपने रुपए अदा किए, क्या उसको लेकर के आप संतुष्ट हैं? एकदम एकदम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और फेस्टिवल में खर्चा ना होगा तो फिर फेस्टिवल कैसा? सही बात है। जैसा कि ये एक ग्राहक थे और ये बता रहे थे कि होली जैसे त्यौहार में हम कैसे खरीदारी कर रहे हैं, और हालांकि कुछ तो मूल्य बढ़े हुए हैं, लेकिन उससे इन्हें संतोष है। Thank you.
चलता है दारू नहीं पीते इसलिए स्प्राइट इसलिए स्प्राइट पी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने परिवार से दूर रह के ड्यूटी करने वाले लोगों के बीच में आया हूं और इन लोगों को महसूस न हो कि यहां पे मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए मैं एक परिवार बन करके और इन लोगों को आज होली के दिन अबीर लगा करके और इन लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हुआ। मैं अक्षय बच्चन जी की आर भारत टीवी चैनल जिला रिपोर्टर रोहतास। मेरा नाम है अंजलि कुमारी, मैं सुनछौली से हूँ। हम लोग होली रंग का त्यौहार है, होली खूब मस्ती से खेलते हैं और आज हम लोग खेल भी रहे हैं। होली का त्यौहार है, होली हम सब मिलकर मनाते हैं। होली एक बहुत अच्छा पर्व है जिंदगी में। होली हम सब मिलजुल कर खेलते हैं और खेल भी रहे हैं।